दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिख संप्रदाय के बारे में। तो सिख संप्रदाय कैसे डेवलप हुआ, कितने गुरु हैं उसमें, मोस्टली हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आता है कि सिखों के गुरुओं के बारे में क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन से गुरु ने क्या किया, कौन से गुरु ने क्या नहीं किया, या कौन सा गुरु किसके समकालीन था। तो आज हम लोग वही बात करेंगे। तो सिखों में टोटल 10 गुरु हुए हैं, 10 गुरु, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 10 गुरु कौन कौन से हैं और कहाँ से स्टार्ट हुए हैं ये। तो सबसे पहले गुरु जो हैं हमारे, गुरु नानक जी, इन्हीं से स्टार्टिंग हुई है सारे गुरुओं की, या इन्हीं से बोला जाए तो सिख धर्म की स्थापना भी इन्हीं से हुई है। सिख धर्म भी इन्हीं से शुरू हुआ है, तो सिख धर्म की शुरुआत इन्हीं से ही हुई है। उसके बाद जान लेते हैं कि कुछ मेन मेन फैक्टर। तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में, कहाँ, तो तलवंडी पाकिस्तान में। फिर अगर बात की जाए इनकी जन्म के बाद मृत्यु की बात, तो इनकी मृत्यु हुई है 1539 ईस्वी में। अच्छा, इनके पिताजी का नाम, जो मेन मेन क्वेश्चन आते हैं पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम था इनका कालू जी। माताजी का नाम, क्वेश्चन पूछ देते हैं कि पिताजी का नाम बताओ, माताजी का नाम बताओ, तो माताजी का नाम तृप्ता था। फिर पूछ क्वेश्चन आ जाता है कि गुरु नानक जी की पत्नी जी का क्या नाम था, तो पत्नी जी का नाम क्या था, पत्नी का नाम सुलक्षणी था। उसके बाद जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि जो सिखों के पहले गुरु हैं, तो पहले गुरु गुरु नानक जी ही थे पहले गुरु। उसके बाद एक गुरुओं में एक सिख गुरुओं में एक प्रथा थी, लंगर प्रथा। तो लंगर प्रथा की शुरुआत नानक जी ने की। ठीक। और इन्होंने क्या किया, इनका एक शिष्य था जिसका नाम था लहना। इसको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया कि हमारे बाद अगर कोई गुरु बनेगा तो कौन बनेगा, तो लहना बनेगा। इसी का नाम आगे चल के अंगद पड़ा, अंगद के नाम से मशहूर हुआ। और तो अब इनका काम यहीं से ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है दूसरे गुरु, सेकंड गुरु, तो सेकंड नाम है अंगद। ये दूसरे सिख गुरु थे, दूसरे सिख गुरु अंगद। इनका टाइम पीरियड, समय काल कितना था, तो 1539 से लेके 1552 तक का समय गुरु अंगद जी का रहा है। यही समय पीरियड अगर पूछा जाए कि इस समय पीरियड में कौन शासक था, तो अकबर था। अकबर आने वाला था 1526 से लेकर 1605, ही अकबर का शासनकाल था। ठीक ना। अब पूछा जाए किस जात के थे, तो जात इनकी थी खत्री। यही जात नानक जी की भी यही जाति थी सेम। उसके बाद इसमें भी कुछ क्वेश्चन और आते हैं कि जो एक इनका मेन क्वेश्चन है कि जो एक लिपि आई थी, गुरुमुखी लिपि, तो गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे, तो जन्मदाता हमारे यही अंगद जी थे। बस इनमें अंगद जी पे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, एक तो ये किसके समकालीन थे, इनकी जाति, और गुरुमुखी लिपि के आविष्कारकर्ता कौन थे। उसके बाद हमारे जो तीसरे गुरु और इनके जो शिष्य थे, उनका नाम था अमरदास। तो अमरदास जी का टाइम पीरियड जो था 1552 से लेके 1574 तक था। तो इसमें भी एक मेजर क्वेश्चन आता है कि अमरदास किसके समकालीन थे,
किसके समकालीन? तो किसके समकालीन आप लोग समझ ही रहे हैं, एक ही व्यक्ति होगा, अकबर, क्योंकि उसका टाइम पीरियड 1526 से 1605, तो ये अकबर के समकालीन थे। दूसरी बात ये आती है कि इनके मेजर कार्य कौन कौन से रहे। तो इन्होंने अपनी गद्दी, जहाँ ये बैठते थे गद्दी, तो इनकी गद्दी थी गोविंदवाल, गोविंदवाल ये वहीं बैठते थे, तो गोविंदवाल गद्दी वहीं बैठते थे, है ना, ठीक। तो वहाँ पे इन्होंने क्या करवाया था, एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। बावड़ी का निर्माण, बावड़ी मतलब एक तालाब टाइप से। तो ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी में, इस बावड़ी के पानी से नहाने पर सारे दोष दूर, मतलब समझे, इस पानी से नहाने पे सारे दोष दुख सब दूर हो जाते थे। उसके बाद एक कहानी यह भी प्रचलित है कि जो गोविंदवाल गद्दी थी, यहीं पर अकबर स्वयं चलकर इनसे इनसे मिलने आया था, मिलने आया था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि किससे अकबर स्वयं मिलने आया था चलकर। तो गोविंदवाल जगह पर अमरदास से अकबर स्वयं चलकर मिलने आया था, और अमरदास के दामाद थे, दामाद थे रामदास, यही शिष्य थे। तो चौथे जो उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी या फिर गुरु यही बने। तो जो चौथे गुरु थे वो थे रामदास, रामदास। इनका समय, इनका टाइम पीरियड तो 1574 से लेके 1581, तो ये भी अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन हैं, अकबर के समकालीन हैं। और ये रामदास जी किसके, ये दामाद हैं, किसके, अमरदास के, ये क्वेश्चन याद रखना। अच्छा, तो अकबर ने इनको क्या किया था, अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी, 500 बीघा जमीन दी थी। इसी 500 बीघा जमीन का नाम पहले रामदासपुर था, जिसको इन्होंने बदल के अमृतसर कर दिया, और एक प्रकार से अमृतसर शहर की नींव डाली। मतलब अमृतसर शहर किसने बसाया, तो रामदास जी ने, अमृतसर रामदास जी ने बसाया। और इनका जो तीसरे पुत्र, इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी चुना और गुरु का पद पैतृक कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट कि किसने गुरु का पद पैतृक कर दिया, तो रामदास जी ने गुरु का पद पैतृक कर दिया था, रामदास जी ने गुरु का पद पैतृक कर दिया। तो गुरु का पद पैतृक किसने किया, रामदास जी ने, ठीक। तो अब रामदास जी से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो अगला उत्तराधिकारी बना वो गुरु अर्जुन, गुरु अर्जुन देव,
गुरु अर्जुन देव, इनका टाइम पीरियड 1581 से 1606। ये भी देखिए आपके अकबर के समकालीन हैं, ये भी आपके अकबर के समकालीन हैं, है ना। इन्हें प्यार से सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। सच्चा बादशाह इनका उपनाम था। इन्होंने ही अमृतसर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया। हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया कब? 1589 में। और इसकी जो आधारशिला थी, हरमिंदर साहिब की आधारशिला, इसकी जो आधारशिला थी वो संत मियां मीर ने रखी थी। संत मियां मीर द्वारा रखी गई। संत मियां मीर जानते हैं किस संप्रदाय से थे? ये कादरी संप्रदाय से थे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। संप्रदाय कादरी संप्रदाय से थे।